बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैंने उत्तराम लोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडगार्ड पीपुल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के अंदर सर्वोपरि अगर किसी चीज को माना जाता है तो वो है अनुशासन। यानी यहाँ पर इस पार्टी के अंदर अगर आपको काम करना है तो अनुशासन से रहना ही होगा। अगर आपने अनुशासनहीनता की या आपने एक कदम भी गलत उठाया और इसकी खबर मायावती जी तक पहुँच गई तो आप कोई कब पार्टी से छुट्टी हो जाए ये कहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन के बराबर है। किसी को भी नहीं पता चलता किस व्यक्ति की छुट्टी कब हो सकती है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को इस तरीके से अनुशासनहीनता के नाम पर पार्टी से बाहर होना पड़ा है, जिसके अंदर आज भी कई सारे लोग हैं जो पार्टी में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमेशा के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने गेट बंद कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर हम नजर से देखें पिछले कुछ दिनों की बात करें, जिस तरीके से 2019 की बात करें, 2019 से शुरू होते होने से लेकर अब खत्म होने पर आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जाने वाले लोगों की लिस्ट बहुत सारी लंबी है। या अनुशासनहीनता के नाम पर जिन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है मायावती जी ने, उन लोगों की भी लिस्ट बहुत सारी लंबी है। यानी निकालने वाले और निकलने वाले दोनों को मिलाकर जोड़ा जाए तो केवल अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत बड़ी लिस्ट है। करीब करीब 100 से 200 से ज्यादा लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है या फिर उनको निकाल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर पार्टी के अंदर नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं या निकाला जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पार्टियों के अंदर लोगों की वापसी भी होती है। जैसे पिछले दिनों कांग्रेस में भी कई सारे साथियों ने पार्टी छोड़ी, समाजवादी भी छोड़ी, लेकिन इन पार्टियों के अंदर वापस दूसरी पार्टी के नेता या तो सम्मिलित हो जाते हैं या पास आते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को लोग पार्टी छोड़कर तो जाते हैं, लेकिन शामिल होने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो केवल 0% लोग है। यानी कि पिछले 2019 से लेकर 2019 का ये पूरा एक साल की बात करें तो कोई भी एक बड़ा नेता, मंत्री, विधायक के बराबर का लेवल का व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी कम, और इसका कारण ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी की शक्ति, बसपा सुप्रीमो मायावती जी द्वारा दिखाई जाने वाली शक्ति और ताकत के बाद कोई भी नेता पार्टी तक या तो पहुंच सुप्रीमो तक पहुंच नहीं पाता है, और ना ही जो पार्टी के पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर होते हैं ये बसपा सुप्रीमो मायावती जी से उसकी मुलाकात करवाते हैं, और ना ही वो पार्टी में ज्वाइन कर पाता है। आपको बता दें कि किसी भी पार्टी का मंत्री एमएलए रहा है, अगर वो समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में आएगा तो उसको कोई जरूरी होगी कि वो चाहेगा कि उसे मान मिले, सम्मान मिले, बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथों ज्वाइनिंग मिले, ये तमाम उसका सपना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाता है और उसकी वजह से वो किसी और पार्टी में चला जाता है। जैसे कि हम उदाहरण की बात देखें तो पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी के करीब 1 दर्जन ही नहीं बल्कि 4 दर्जन के करीब नेता पार्टी छोड़े, लेकिन उन तमाम लोगों को अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ है उन्होंने पार्टी को ज्वाइन करवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उनको बुलाया और उनको ज्वाइन करवा दिया। इससे कार्यकर्ताओं की उत्साह और उत्साहवर्धन भी होता है, नेताओं का भी उत्साह बढ़ता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी में नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं या पार्टी से निकाले जाते हैं, लेकिन उनमें सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या 0 के बराबर है। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आप चले थे विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि आप तक ये खबर पहुंचे।